15 साल लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई, जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उनको उनकी सरकार ने आवाज़ दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है उसमें कुछ सच्चाई ज़रूर है और जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में वो रास्ता आपको वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल 15 साल या 20 साल से चल रहा है उन रास्तों पर चलकर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने का की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज़्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं दो बात आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जो जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना, पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और
जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है, और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस चीज को, उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की जरूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने पिछले तीन दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर इन 17,500-18,000 लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन सुराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना, और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2,000, 5,000, 3,000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुँचना, बिहार के गांव, शहर, गली, मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन सुराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा, जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली, मोहल्ले, जो महत्व जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है वो पूरा न कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3,000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3,000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना ज़रूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन सुराज की इस परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये 2 घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड के वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं
कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल 3 साल 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन सुराज की एक परिकल्पना है इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है। मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। बाकी आप जो सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले, 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहाँ आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है? बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी आप देख रहे हैं आगे आने वाले, हालांकि पूछा उन्होंने वही उसी को कंटिन्यू कर दी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा या आप आगे आकर के बिहार को लीड करें एज मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट? भाई मैंने ये बताया कि जहाँ तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने का की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊँगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊँगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हज़ार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन सुराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाएँ और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की ज़रूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा है, भारत सरकार ने ये बताया है। और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठक चली, कहा मिस हुआ कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस में बात हुई? नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहाँ तक कांग्रेस के साथ उनके
मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है। उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उन्होंने कमिटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज़ को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरी उसमें मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए एक पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात में कुछ दम में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर दिया। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा, जो मेरा जो भी मैंने काम 10 बरस किया अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से अपने कंडक्ट से अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 बरस उसको करके दिखाया तो आप आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ने लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है, और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया, कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। कोई किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए,
सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। प्रसाद जी, 17,000 लोगों की बात की आपने, जी 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे? करेंगे नहीं साहब, 17,500 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। उसके बाद आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17,500 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर जनसुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। सॉरी सर, जी साहब, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूं, और जो बात मैंने 2020 में कही थी मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं, उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर दे हैव एनफ पीपल, दे माई कॉलीग्स हु हैव वर्क विथ मी, दे आर फार मोर कैपेबल देन मी। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आईपैक इज इन गुड हैंड्स, दे विल कंटिन्यू टू वर्क ऑल वेयर दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ ये स्वाभाविक प्रश्न है, और कई मैं आर्टिकल्स लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रिडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ, अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रिडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतरी सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं,
जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उस उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है, जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे जिस व्यक्ति जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहां तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूं, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में, आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूं, लगातार 8 महीने 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूं। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूं। साहब मैं 1 घंटा यहां बैठा हूं, 2 घंटे जरूरत है तो बैठूंगा, आप एक एक करके पूछेंगे तभी मैं आंसर दे सकता हूं। नीतीश जी, देखिए आपने कहा कांग्रेस का रास्ता, भाई कांग्रेस से बातचीत एक दूसरे फॉर्मेशन में हो रही थी, उन्होंने और हमने ऐसा मिलकर तय किया कि आगे चलने की अभी कोई संभावना नहीं है। उसके साथ ही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपके सामने कैमरे पे पब्लिक को ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना समय, अपना तन मन बल बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूं या किसी के साथ काम करूं, अगर एक मिनट उसकी संभावना मान भी लें बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है और बिहार सेंटर में ही, उस पूरी परिकल्पना में बिहार सेंटर में रहेगा ही रहेगा, इस चीज़ पे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। किस चीज़ के लिए? जन सुराज कैंपेन के लिए फंड रेजिंग कैसे होगी, पैसे कहां से आएंगे? पैसे कहां से आएंगे मेरे भाई, ऐसा है कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है। और रिसोर्स के साथ हमारी मदद की जाए। मेरे भाई मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शुरुआत आपने की तो 6 महीने में उसका रिजल्ट या उसकी परिणति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बात बिहार की जो मैंने शुरू की थी वो इसलिए छोड़ दिया या उसको रोक दिया क्योंकि 1 महीने के बाद कोविड की महामारी शुरू हो गई। अब कोविड के दौरान अगर मैं पदयात्रा करता और हर घर में जाता तो आप मुझे दोष देते या मेरी सराहना करते? मैं कोविड खत्म होने का वेट कर रहा था, अभी तक कोविड खत्म हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाई लार्ज हम लोग की जो नॉर्मल जिंदगी थी हम लोग उस तरह वापस लौटे हैं, तो मैं उस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ। बात वही कह रहा हूँ जो बात बिहार की मैं कही थी कि आगे 10 साल में बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में 15 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। बिजनेस एज यूजुअल या जो जिस तरह की सरकारें यहाँ पिछले 15-20 साल से चली हैं उससे वो रास्ता, उससे वो मंजिल हम नहीं पा सकते हैं। देखिए जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17-18 हजार लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स नहीं है,
एज वी टॉक दिस नंबर गोज अप। मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने चार और व्यक्तियों की का रेफरेंस दिया, उन चारों से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास, 17-18 हज़ार लोग, समझिए कि एक महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है, ऐसे लोग जिनको यहाँ, जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, वो हमारे संपर्क में हैं। लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे और उनमें से या उनसे ज़्यादातर लोगों से मिलकर बात न कर लूँ, तब तक मैं ये आपको आश्वस्त तरीके से नहीं बता सकता हूँ कि उनमें से कितने लोग इस सोच से जुड़कर इसके भागीदार बनेंगे। मैंने ये कहा कि अगले 3 महीने में ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनसे बात करके ये तय करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं। जो लोग भी तैयार होंगे वो एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे पार्टी बनानी है कि मंच बनाना है कि अभी और समय लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बनानी है तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर होंगे, मैं ये कह रहा हूँ। भाई नीतीश जी और लालू जी यहाँ के राज्य के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत सारे MLA हैं, MP हैं, 20-25-30 बरस का राजनीतिक अनुभव है, उनके पास बड़े दल हैं। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हूँ, वो क्यों हमें तवज्जो देंगे? वो तवज्जो न दें इसलिए मेरे लिए तो यही अच्छा है। मैंने अपने ट्वीट में क्या कहा और मैं आपको बार बार यहाँ क्या कह रहा हूँ, भाई मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी दल को तोड़ने की बात कर नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ और ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो। अब इसमें लालू जी या नीतीश जी जैसे बड़े नेताओं को मैं मुझे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग तवज्जो दे